पृथ्वी जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। दरअसल मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी करण भाई से मिलने, तो आप चलेंगे मेरे साथ? कैसी बात कर रही हो कृति? What do you mean चलेंगे मेरे साथ? अरे यू हैव टू कमांड कि पृथ्वी जी मैं कहीं जा रही हूं, मैं चाहती हूं आप मेरे साथ चलो। चलूंगा ना मैं, क्यों क्यों नहीं चलूंगा? चले फिर। चले फिर? हाँ। Is that a problem? नहीं मतलब अभी, right now? हाँ। Just give me 2 minutes, मैं अपना वॉलेट और कार कीज लेके आता हूँ। क्या बोलो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है या तुम्हारी टाइमिंग बुरी है, वरना मैं अभी फोन उठा के तुम्हारी बैंड बजा देता। पृथ्वी जी, आपका फोन कब से बज रहा है? कुछ अर्जेंट भी तो हो सकता है, उठा लीजिए प्लीज। उठाऊं? अगर मैंने तुम्हारे सामने फोन उठा लिया ना, तो तुम्हारे सामने आज मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। यही कि मैं इतना भोला नहीं, आग का गोला हूं जिसे ब्लैकमेलर का फोन आ रहा है। पर अगर मौका मिला ना, तो मैं ब्लैकमेलर को ही ब्लैकमेल कर दूं। पृथ्वी जी, आई रियली थिंक ये अर्जेंट कॉल है, इतने सारे कॉल्स, तो आप उठा ही लीजिए। कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है। एक इरिटेटिंग फ्रेंड है मेरा, जो बार बार कॉल करता रहता है और बार बार मैं उसके कॉल रिजेक्ट करता हूँ, उसके बावजूद कॉल कर रहा है। एक काम करता हूँ मैं ना, लो ब्लॉक कर दिया। फिलहाल इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है कि तुम्हारी विश पूरी करो, है ना, तुम्हारे भैया से मिलने जाऊं तुम्हारे साथ। चले? थैंक यू। चले। देखो तुम ज्यादा ना वो स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो, पर मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं वो सबूत पुलिस को दे दूंगी जिससे ये साबित होता है कि अक्षय के मर्डर में तुम भी इन्वॉल्व हो। फिर क्या, करण के बदले तुम जेल जाओगे। इसका मतलब मीखा जानती है कि अक्षय का खूनी कौन है? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें मुझे जल्दी से जल्दी पैसे देने होंगे। मेघा, तुम अपने मेडिसिन अंदर भूल गई थी, ये लो। थैंक यू डॉक्टर, आप मेरी कितनी हेल्प कर रही हैं, कितना ख्याल रखती हैं। आप सही कहती हैं कि मैं आजकल बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल रही हूँ। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, और मैं एक सिंगल मदर हूँ, फिर भी आप मेरा इतना ख्याल रख रही हैं। देखिएगा डॉक्टर, कभी आपको परेशानी होगी ना, तो भगवान आपकी भी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। मेघा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अब तो तुम्हारे भगवान भी तुम्हारे साथ है। अब मैं घर ही जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ रास्ते में। जी, थैंक यू डॉक्टर। ओह माय गॉड, ये मेघा तो बहुत ही चालू लड़की है। कैसी स्प्लिट पर्सनालिटी है। अभी किसी को फोन पर ब्लैकमेल कर रही थी, और जैसे ही डॉक्टर आए तो इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट, जैसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना हो, ऐसी बन गई। ये बहुत बड़ा खेल खेल रही है लड़की। हाँ सृष्टि बोल। अदी, कहाँ पर हो आप? मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो महेश पापा के रिपोर्ट लेने थे ना, मिल गए हैं, बस निकल रही हूँ। मुझे पता ही था कि आप अब तक हॉस्पिटल में ही होंगे। मैं और सैमी घर आ गए। सैमी ने कहा कि आज करण जीजू के लिए खाना हमारे घर से जाएगा, तो बस खाना रेडी है, टिफिन में पैक भी हो गया। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा दी, अगर आप घर आ रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर में वाइट वॉश हो रहा है, तो हम बिन्नी आंटी के घर शिफ्ट हो गए हैं। सो ओ हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं वहाँ आती हूँ, बस निकल रही हूँ। ओके दी, जल्दी आओ, बाय। सरप्राइज। क्या हुआ? सरप्राइज्ड? या शॉक लगा मुझे यहां देखकर? अक्सर लोग मुझे देख के या तो सरप्राइज होते हैं या तो शॉक हो जाते हैं। होता है,
वैसे आज खुश तो बहुत हुए होगे तुमने, पृथ्वी मल्होत्रा खुद तुमसे मिलने आया। वैसे मैं अकेला नहीं आया हूँ, तेरी बहन कृतिका भी आई है, बाहर है, विजिटर बुक साइन कर रही है। मैंने उससे कहा कि तू आ जा, मैं चलता हूँ। मुझसे रुका नहीं गया यार, मैं बहुत उतावला हो रहा था तुझसे मिलने के लिए। तेरे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था, ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था ना, इसलिए। और बहुत गर्मी है यहाँ पर, नहीं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तेरा गिल्ली डंडा यहीं भेज दूँ? जगह तो अच्छी लग रही है काफी। वैसे एक बात बोलूँ, तुझे अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, पर तुझे यहाँ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे यहाँ सलाखों के पीछे सड़ता हुआ देखकर, तकलीफ में देख कर ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्या है ना, मेरे मुंह से तो यही सब निकलेगा, क्योंकि तूने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, बहुत ज्यादा। याद है मैं बोलता था, अच्छे वक्त में अच्छे कर्म किया करो, नहीं तो बुरे वक्त में ऐसा ही होता है, बुरा। तो तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तू अंदर मैं बाहर, खुश। मैं तो बहुत खुश, हम दोनों खुश। तुझे क्या लगता है? मैं हमेशा ही रहने वाला, हमेशा के लिए आया हूं यहां। और एक बात तो भूल गया, अपनी मर्जी से अंदर आया हूं। जिस दिन बाहर निकल गया ना पृथ्वी मल्होत्रा, उस दिन तेरा ये टेढ़ा पाने ना इसे ऐसा सीधा करूंगा तू याद रखेगा, कोई था कर लोच रहा, समझा? बुरा मान क्या तू तो? I was just joking, man. I was just kidding, buddy. तू शायद भूल गया that you are my brother-in-law. मैं मजाक मस्ती कर रहा था, रिश्ता ही वैसा है ना, जीजा साला मजाक मस्ती वाला। Just take it easy, man. नमस्ते आंटी जी, पेरीपोन। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे लोगों से मिले हैं। कैसे हो आप? तुम्हें देखने का मन कर रहा था इसलिए आके, बाहर कृतिका भी मिल गई तो कितना कुछ किया है ना रीता के लिए, उसकी सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी, कर तो पीता रही थी इस घर के लिए, बस छोटा सा एक कदम उठाया, और क्या फर्क पड़ता है किसने किसके लिए क्या किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे की जान भी दे सकते हैं। अब प्रीता भी तो कृतिका के लिए कर रही थी सब कुछ, राइट? तुम कर रहे हो प्रीता के लिए? मम्मी जी, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया, वादा किया था ना आप सबसे, प्रीता सही सलामत आप सबके साथ घर वापस जाएगी, राइट? अपने वादे के लिए सच कहूं तो मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसा दामाद मिला। मेरी ना हो सकी सास, जो कि फ्यूचर में हो सकती है, इस गिल्ली डंडा प्लेयर से इतना प्यार, हेट इट। तू क्यों मुस्कुरा रही है? वो भाई मैं मुस्कुरा तो मैं भी रहा हूं, कृतिका के साथ साथ मैं भी हंस रहा हूं। सुनो, हम सब बहुत खुश है कि तू जेल में है सलाखों के पीछे, दिमाग मत खराब कर, तू जा यहां से, बाद में बात करेंगे। नहीं, गलत समझ रहा है तू मुझे, गलत समझ रहे हो कृतिका, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस वही कह रहा हूं जो करण ने मुझसे कहा। करण सच सच बता, कैसा लग रहा है यहाँ? तो खुश है ना यहाँ पर? तूने खुद मुझसे कहा कि तू यहाँ पे बहुत खुश है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुझे वाकई में यहाँ पे अच्छा लग रहा है और तू खुश है ना, तो आई विश कि तू लाइफ टाइम यहीं पे रहे। पृथ्वी जी, कैसे बात कर रहे हैं आप मेरे करण भाई से? कोई जगह ऐसी बात करने की? कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो इसने मुझसे कहा। जगह तो देख लीजिए, उसी ने कहा इस जगह वो बहुत खुश है। पृथ्वी, अगर आपको ठीक से बात करना नहीं आता है तो आप यहाँ क्यों आए हैं करण से मिलने?
आपको कोई जरूरत नहीं थी ना करण से मिलने के लिए यहाँ आने की। दीजिए आप मुझे गलत, प्लीज सच में बोल दो ना इसे कि यहाँ ना आए मिलने। अगर ये कोई भी अच्छी बात नहीं कर सकता है करण से, तो तुम जाओ ना यहाँ से। तुम क्यों आए हो यहाँ मिलने इससे, अगर यही बातें करनी है तो। आंटी जी क्योंकि मैं उसकी केयर करता हूँ। देखिए अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। मैंने वही कहा जो करण ने खुद मुझसे कहा। उसने खुद मुझसे कहा कि वो यहाँ पे बहुत खुश है। बस देखिए आपको मेरी बात ना अजीब लग रही होगी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं दिल से थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो उसने मुझसे कहा। पर मेरा और करण का रिश्ता ना है ही ऐसा, हम एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं हमेशा से, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों करण है ना? ओके अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा, आप लोग कंटिन्यू करिए। कृतिका मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके मम्मी छोड़ी ना उसे। बदतमीज इंसान है, मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता तो होती है पर जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, भगवान तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल देगा। ध्यान रखिएगा अपना और तुम्हें। क्या? हाँ मेघा प्रेग्नेंट है, अक्षय के बच्चे की मां बनने वाली है। नहीं एक मिनट, रुचिका ने हमें क्या बताया था? अक्षय की खूनी मैं नहीं, कोई और नहीं, मेघा है। कि अक्षय का खून मेघा ने किया राइट? अब तक हमें मेघा पर शक था, अब आप कह रहे हो कि मेघा प्रेग्नेंट है, अक्षय के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो अपने होने वाले बच्चे के बाप का खून क्यों करेगी? मैं कब से बोली जा रही थी तुम्हें कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। क्या बोलने की कोशिश कर रही थी? अरे यार मैं उसको पुलिस स्टेशन में बोल रही थी दी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता है कि अक्षय के खून में मेघा का कोई रोल है, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने दी। ठीक है तो अभी कंप्लीट कर लेना, क्या कहना है? टीम मैं ये कह रही हूँ कि अब तक हमने जो भी समझा है, जाना है, जो भी हम फील कर रहे हैं, वो सब कुछ गलत है, क्योंकि अब तक जो हमने देखा है, समझा है, अगर वो सही होता तो अब तक ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाती, लेकिन उल्टा ये तो और उलझती जा रही है। मतलब अब तक हम जिसे समझते थे कि वो अक्षय की खूनी है, वो अक्षय की खूनी है ही नहीं, मेघा ने थोड़ी उस अक्षय का खून किया है। तो कौन खूनी है? मुझे नहीं पता दी, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो हम उस खूनी तक पहुंच जाएंगे। वो कैसे? देखो दी जासूसी वाला दिमाग तो है मेरे पास, और कोई माने या ना माने मुझमें समझ भी है थोड़ी बहुत, और नॉलेज तो मेरे दिमाग में कूट कूट के भरा है। तो एनीवे मैं शायद तुम लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, आई हैव नो क्लू, बट जब कोई इंसान किसी का मर्डर करता है ना तो सिर्फ दो वजह होती है, या तो पैसा या तो गुस्सा। और जिस तरह से अक्षय का मर्डर हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी जान पहचान वाले ने यह मर्डर किया है। आई मीन उसकी वजह यही दो रीजन हो सकती, या तो पैसा या तो गुस्सा। कमाल की नॉलेज है तुम्हारी सिस्टर यार। थैंक यू, इंग्लिश मर्डर मिस्ट्रीज बहुत देखी है मैंने। अब तुम ये सब बातें छोड़ोगे और जो काम करना है उस पर फोकस करें। अच्छा मैं ये बोलने वाली थी कि मैंने जो भी मर्डर मिस्ट्रीज देखी है ना इंग्लिश वाली, तो उसमें यही होता है कि अगर किसी लड़के का खून होता है ना दी, तो वो किसी जान पहचान वाले ने ही किया होता है, मतलब कि किसी उसकी बीवी ने या उसकी गर्लफ्रेंड ने। लेकिन अक्षय का केस ना थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आदमी ही खराब है। देखो उसने एंगेजमेंट की कृतिका के साथ, अफेयर चलाया रुचिका के साथ, बच्चा और है मेघा के साथ, ये कि ये कुछ तरीका है यार? ये मतलब आदमी खराब है यार, वो बहुत कंफ्यूजन है यार। रुचिका हमारी हेल्प कर रही थी, बोल रही थी कि अक्षय का खून मेघा ने किया है, बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार क्या? ये सब तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना, अब इससे आगे बढ़े। रुचिका ने कहा कि मेघा ने खून किया है, लेकिन जब मैंने मेघा को हॉस्पिटल में देखा तो मुझे कोई और वाइब आई। माना कि मेघा किसी को ब्लैकमेल कर रही थी फ़ोन पर, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अक्षय का खून नहीं कर सकती। हाँ उसे अक्षय के कातिल के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पता है, इसीलिए वो किसी को फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रही थी।
शायद उसके पास सबूत है कातिल के खिलाफ। अब वो प्रेग्नेंट है और बच्चा अक्षय का है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खून उसने नहीं किया है, लेकिन हाँ सबूत उसके पास ज़रूर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें मेघा के पास जाना चाहिए और जिस सबूत के बिना पर वो किसी को ब्लैकमेल करिए वो सबूत हमारे हाथ लग जाना चाहिए, ताकि हम असली कातिल को पकड़ सकें और करण को रिहा करा सकें। तो ऐसा करते हैं कि अभी तो पहले करण से मिलने चलते हैं और उसके बाद सीधा मेघा के घर जाकर उस सबूत को पकड़ते हैं। ओके? हाँ चलो। तेरी बातें सुनकर आज मुझे प्रज्ञा याद आ गई। वो भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करती थी। जब कोई बात ठान लेती थी ना, जब तक पूरी ना हो जाए उसे छोड़ती नहीं थी। तू भी तो यही कर रही है ना? कितना प्यार करता है करण तुझसे, तू करण से। इसीलिए इस समय वो जो मुश्किल में है, तेरे लिए जेल में है, उसे जेल से बाहर निकालना चाहता, कुछ भी करके। ठान लिया है ना तूने कि उसे जेल से बाहर निकाल के रहेगी? देख, बहुत मुश्किलें आएंगी, आसान नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ तुझमें बहुत ताकत है, प्यार की ताकत, अच्छाई की ताकत, सच की ताकत। वो सब ताकतें तेरे साथ रहेंगी ना तो तू अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगी। थकना मत, नहीं रुकना। कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो आवाज लगाएगी ना तो माँ वहीं खड़ी होगी। हिचकिचाना मत, मैं तेरा साथ दूंगी ना हमेशा। जो सबसे बड़ी ताकत है वो तो आपने कहा ही नहीं, माँ से मिली हुई ताकत। ये सब आप ही की हिम्मत है माँ, जो मेरी ताकत बनकर मुझे हर काम करा दी। प्रज्ञा दीदी, प्रज्ञा दीदी जितना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं प्रज्ञा दीदी की परछाई हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। तू उसकी परछाई नहीं है, तू बहुत अच्छी। तेरा भाग्य बहुत अच्छा जो तुझे करण जैसा पति मिला। कभी सोचा नहीं था ना जब तू मुंबई आई थी कि वो पहले तेरा दोस्त बनेगा और फिर हमेशा अकेले तेरा जीवन साथी हो जाएगा। उसकी दादी का इलाज करने उस घर में गई थी, सोचा नहीं था ना कि कभी तेरा ससुराल हो जाएगा। तंग भी किया उसने तुझे, लेकिन फिर भगवान ने लिखी है जोड़ी अपने हाथों से। कितनी मुश्किलें आई, शायद जीवन में और भी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगेगी। ये माँ का आशीर्वाद है, कुछ भी कर कर उसे जेल से बाहर निकाल ले। तू कोशिश करेगी ना तो वो जेल से बाहर आ जाएगा। हाँ माँ। और बिल्कुल भी हारना नहीं, एक बार तू ठान लेती है ना प्रीता तो मैं जानती हूँ वो तो पूरा करके ही रुकेगी। जाकर उसे जेल से बाहर निकाल ले, और तू कर सकती। डरना नहीं, कोई भी मुश्किल आए ना मुझे आवाज दे देना, हमेशा तेरे सर पे रहेगा बेटा। चले। माँ, हाँ? क्या मैंने आपको बताया क्या कि मैं कितना लकी फील करती हूँ कि मेरी कुंडली भाग्य में मुझे आप जैसी माँ मिली है। I love you. Love you too. ध्यान रखना दीदी का। हाँ? मेरी मम्मी, रोया कम करो। ओके बाय।